शो में बड़ा ट्विस्ट लाने के लिए हुई है इस बड़े कैदी की लॉकअप के अंदर एंट्री। आखिर कौन है ये सुपर खिलाड़ी, कौन है ये सुपर कैदी और क्या इस वजह से जो टॉप के कंटेंडर्स है टू विन दिस ट्रॉफी, क्या उनका गेम में कोई भी बदल आएगा, क्या उनका गेम अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई एक्सपोज होगा या फिर कोई सीधा अपने घर वापस रिटर्न जाएगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट संतोष वेदांगी करने का। आपको बता दें कि अभी फिलहाल कई सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो ट्रॉफी की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें पायल है, पूनम है, मुनव्वर, शिवम, साइशा, ये डेफिनेट 5 कंटेस्टेंट्स हैं जो काफी अच्छा इस वक्त गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, अब इसी बीच एक सुपर कैदी की हो जाती है लॉकअप के अंदर एंट्री। जी हाँ, बात करी ऑब्वियसली प्रिंस नरूला के बारे में। और प्रिंस की एंट्री जो है दिखाया भले जा रहा है कि ये कैदी है, लेकिन जहां तक मैंने कल का एपिसोड देखा है, कल के कुछ लाइव फीड के पोर्शंस देखे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है विथ प्रूफ आई एम कमिंग हियर, ओके, सो आई फील ही इज हियर जस्ट फॉर अ वीक। और मैंने स्टार्टिंग से बात कही है, आज भी मैं इसी बात पे स्टिक अराउंड करूंगी। आई डो नॉट फील दैट प्रिंस नरूला कोई भी वाइल्ड कार्ड या चैलेंजर है, ये कोई कैदी नहीं है। यहाँ पे एक मकसद की वजह से, एक रीजन की वजह से आए हैं इस शो को, एक पुश देने के लिए, मच नीडेड पुश के लिए, और जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनका गेम और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और जो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें शेकअप करके वेकअप करने के लिए आए हैं। प्रूफ चलिए आपके सामने फटाफट से रखती हूँ। अभी जो जो मेन मेन लग रहा है, जो आपको समझने आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, वो आपको वेरी क्विकली बताती हूँ। सबसे पहले तो आजमा टॉयलेट साफ करने के लिए तैयार नहीं थी, बाकी सब लोग काम कर रहे थे। मुनव्वर बिल्कुल भी काम नहीं करता है शो में, मोस्ट ऑफ द टाइम सोया हुआ रहता है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो प्रिंस ने अपने चालाकी से मुनव्वर से काम करवाया घर का, जेल का। बाकी लोग भी उसकी बातें सुनने लग गए, जहां पे शिवम और आजमा कह रहे हैं मैं नहीं करूंगी काम, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, उसके पर प्रिंस कहते हैं देयर इज अ रीजन व्हाई मैं ये कर रहा हूं, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बट जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू व्हाट आई से। उसके बाद इवन जब वो पेटी बनाने का जो टास्क था, आम की पेटी बनाने का, वहां पे करणवीर का जो बॉक्स था वो प्रिंस ने कम्प्लीटली तहस नहस कर दिया। और केवी कहता है डूड आई वाज थिंकिंग यू एज माय फ्रेंड, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। उसके ऊपर प्रिंस का जवाब था तुम्हें मैं नहीं बता सकता, बट ट्रस्ट मी देर इज समथिंग व्हाई आई एम डूइंग दिस, यू जस्ट हैव टू बिलीव मी एंड जस्ट शो योर गेम प्लेट। शिवम को बार बार पूछ दे रहे हैं कि शिवम यू हैव टू प्ले इंडिविजुअली, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या बोला है, तुम्हारे फादर ने जो भी तुम्हें बोला है वो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, इंडिविजुअल गेम खेलो, खुद का गेम खेलो, खुद का गेम क्यों नहीं खेल रहे हो। और उसी के साथ साथ तुम मैं जो बोल रहा हूँ वो करने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ये बार बार चीजें जो कह रहे थे, ऑब्वियसली एक कोई कैदी किसी को नहीं करेगा। और यहाँ पे उनका आजमा से लड़ना, उनका शिवम के साथ लड़ना, करणवीर के साथ लड़ना, इनका गेम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रिंस एक पुश देते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं। वेल, उसी के साथ साथ लाइव फीड में जब जिशान का एविक्शन हो जाता है और ड्यूटीज की बात होती है, पनिशमेंट की बात होती है, आजमा क्लियर कह देती कि मैं तो बर्तन नहीं धोंगी या मैं टॉयलेट साफ नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, तब प्रिंस जो है करण से कह रहा होता है यार मैं इन लोगों को कैसे बताऊं, मैं कुछ चीजें नहीं बता सकता, ये मेरी बातें सुनते क्यों नहीं है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, इनको जल्दी पता चलेगा, व्हाई डोंट दे जस्ट ट्रस्ट मी, ये करण के सामने खुद प्रिंस बोलते हैं। इनफैक्ट शिवम भी कंप्लेन करते हैं कि ये जब से आए हैं ये काम करो वो काम करो, सबको ड्यूटीज अलॉट करें, क्या ये कोई कैप्टन है, क्या ये हमारे लीडर है जो खुद लीडर बनना, जो जैसे कह रहे हैं हमें वैसे करना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद भी करण के सामने प्रिंस एक और बात कहता है, यार इसको कैसे समझाऊं, मैं एक रीजन के वजह से बोल रहा हूं, मेरी बात समझते क्यों नहीं है, इन लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूं ये समझ नहीं रहे, अभी इनको मैं बता नहीं सकता, आई हैव टू कीप क्वाइट, बट मैं जो कर रहा हूं मुझे करने नहीं देंगे तो मैं जो करने आए वो कैसे करूंगा, ये भी बात वहां पे प्रिंस ने बोली थी करण के सामने। करण ऑब्वियसली के नॉट जस्ट सपोर्ट प्रिंस ब्लाइंडली, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे जिसको जो करना है जैसे करना आपके ऊपर है, बस अगर आपने काम नहीं किया तो उसके रिपरकशंस होंगे, इस तरीके से उन्हें आजवा को बातें बताई है। वेल, ये चीजें और बहुत सारी चीजें आपने अगर मेरी तरह और कोई चीजें नोटिस की होंगी जिससे आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रिंस नरूला कोई कैदी बन के नहीं आया है, एक स्पेशल मकसद के साथ आया है, गेम को एक मच नीडेड ट्विस्ट देने के लिए, लास्ट लेग ऑफ द शो को और बढ़ाने के लिए, और जो सोए हुए कैदी है उनको जगाने के लिए, और जो जगे हुए हैं उन्हें सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आए हैं। दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली हैव टू से, मेरी गट फीलिंग के हिसाब से बोल रही हूँ। आपको इसके ऊपर क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।